हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट योर नेक्स्ट टॉपिक न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। इट इज़ योर रेस्ट ऑफ योर टॉपिक चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर। वी न्यू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एस टोल्ड यू अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड स्क्राइब्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। हिस्टोरियन ऑफ द ईयर्स बिटवीन हिस्ट्री है बिटवीन ऑफ द 700 एंड 1750 हैड ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग व्हाट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैड अकर्ड इन बिटवीन दिस पीरियड। एग्जाम्पल, द यूजिंग ऑफ पर्सियन व्हील इन इरीगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, अलॉन्ग विद अराइवल्स ऑफ न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस। बेवरेजेस मीन्स पीने वाली जो चीज़ें होती हैं लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टीज एंड कॉफीज। अलॉन्ग विथ ऑल दीज न्यूज आइडियाज ऑल्सो कम इन सब कॉन्टिनेंट। एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। एंड ऑल्सो दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ पीपुल। द मीनिंग ऑफ मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ पीपुल। They are moving here and there for the searching of opportunity. After that, one group of people who became important in this period, that were Rajput. Meaning of Rajput, if you can take understand the Rajputra, the son of rulers. The term included rulers, soldiers, Kshatri and commander who served in the armies. तो राजपूत में कौन कौन आते थे? रूलर्स आते थे, सोल्जर्स भी आते थे, छत्री भी आते थे एंड कमांडर्स भी आते थे हु सर्व द इन द आर्मीज। आफ्टर दैट अ चिवैल्रिक कोड ऑफ कंडक्ट वॉज प्रोड्यूस। इसके बाद एक कोड प्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था चिवैल्रिक। व्हाट डज द मीन ऑफ चिवैल्रिक? चिवैल्रिक मीन्स समवन हैज स्पेसिफिक क्वालिटीज एंड सच क्वालिटीज एज एक्सट्रीम वेलर and great sense of loyalty were attributed to Rajputs by poet। और ये qualities जो लिखी जाती थी poets के द्वारा, जिनके बारे में, उनके बारे में, rulers के शौर्य के बारे में, उनके loyalties के बारे में। Similarly, new other social groups such as Maratha, Sikh, Jat, Ahoms and Kayas also emerged as a politically important groups during this period। That's period groups are very important during this period, which groups like Marathas, Sikh, Jat, Ahom and Kayasth. Understood about the what were the new social and political group. Now we will understand about emergence of Jatis. As I told you, how the social and political group were emerged. This was because of mobility. When the different groups come in the society, then the new come to point what is jatis. Jatis were usually known as caste, but from where it formed, ये कहाँ से आए? Before many times, all things are happen in forest. Most of people, Adivasis, tribals, community were live in the forest. It's mean majority of people lived in the forest as we know very well, but due to cleaning of forest their changes came in the habitant of forest. Cleaning hone ki wajah se unke habitants mein bhi bahut changes hue. After that dwellers started tilling the land and become peasant. उन्होंने जो dwellers थे, जो forest निकाले गए थे, उन्होंने start किया land को tilling करना और वो क्या बन गए? Peasants बन गए. Slowly they started influencing the society. धीरे धीरे वो society को influence करने लगे and they become the part of large complex society. जंगलों से बाहर आकर लोगों में मिलजुलने लगे, लेकिन उनके बीच में economic and social differences develop होने लगी. Due to these differences, with more differentiated society, people were grouped in jatis or subcaste. इन differences की वजह से वो जो group था बनने लगा, किस रूप में बनने लगा? In the form of jatis and subcaste. Is that clear? Now you can understand the what is the jatis and subcaste. Now we focus on your next topic. फर्स्टली आई वॉन्ट टू क्लियर द वन थिंग। पहले सिंपल सोसाइटी में जिसमें चार वर्ग हुआ करते थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र,
इन ऑल आर डिवाइडेड थ्रू देयर वर्क्स, इन चारों वर्णों को इनके वर्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था. एज आई टोल्ड यू फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर इमर्ज विद सोसाइटी, दे ऑल डिवाइडेड इन जातिज एंड सब कास्ट. जातिज वर, नाउ द क्वेश्चन इज यू कैन डिफाइन द, हाउ कैन यू डिफाइन द जातिज. यू कैन डिफाइन जातिज वर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन. जातिज को डिवाइड किया गया, ग्रुप किया गया उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, बट रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली. बट जो उनका रैंक था वो परमानेंटली फिक्स नहीं था, मतलब जो उनकी आप कह सकते हैं उनकी जो कम्युनिटी थी, जो उनकी रैंकिंग थी कि कितने कितने किस ग्रुप में कितने कितने व्यक्ति जातीज ग्रुप किए जाएंगे, वो परमानेंटली फिक्स नहीं था. द स्टेटस ऑफ द सेम जातीज कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. इट्स मीन कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ एरिया में जातीज की जो इम्पोर्टेंस थी कुछ जगहों पे अलग थी. कुछ जगह पे उन्हें अच्छा माना जाता था और कुछ जगह पे उन्हें अच्छा नहीं माना जाता था. जातीज फॉर्म देयर ओन रूलर्स एंड रेगुलेशन. उन्होंने अपना खुद का रेगुलेशन और रूलर्स को फॉर्म करना स्टार्ट किया. किस लिए? टू मैनेज द कंडक्ट टू देयर मेंबर, अपने मेंबर्स के कंडक्ट को मैनेज करने के लिए. एंड दीज रेगुलेशन वर इन्फोर्स बाई एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, दे फॉर्म जाति पंचायत. जाति वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूलर्स ऑफ विलेज. जातीज को फॉलो करना पड़ता था विलेज के रूलर्स को. एंड दे आर चिफिन, और वो कौन हुआ करते थे? चिफिन हुआ करते थे, सोल्जर्स हुआ करते थे. बट टुगेदर दे फॉर्म स्मॉल यूनिट एंड स्टेट. तो इस तरह से जातीज ने अपना स्मॉल यूनिट और स्टेट बना लिया. नाउ कम द नेक्स्ट टॉपिक, रीजन एंड एम्पायर. नाउ वी विल नो अबाउट द रीजन एंड एम्पायर. लार्ज स्टेट्स लाइक चोलास, तुगलक एंड मुगल्स इनकम्पेस मैनी रीज़न. इन्होंने अपना सबसे अपना अपना बड़ा रीज़न बना लिया. इन सब के पास बहुत सारे रीज़न हुआ करते थे. अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग रूलर्स अपने एम्पायर बनाया करते थे. यू कैन सी द एग्जाम्पल, अ संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत जियासुद्दीन बलबन. जो एक संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई थी, जियासुद्दीन बलबन ने लिखवाया था. फर्स्ट द यू कैन अंडरस्टैंड द प्रशस्ति. वॉट आर द प्रशस्ति? प्रशस्ति आर द प्रेजिंग ऑफ एनी रूलर्स. प्रशस्तिज में किसी भी रूलर्स के प्रेजिंग, उनके महान घटनाओं के बारे में लिखा था. देन हिस्टोरियन रीड द प्रशस्तिज. देन हिस्टोरियन रीड द प्रशस्ति. देन हिस्टोरियन रिगार्ड. फिर उन्होंने उसको रिगार्ड किया किस नाम से? एज एक्सीग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्टेस्ट. मतलब राजाओं ने अपने युद्ध के बारे में पढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है. किस में? प्रशस्तिज में. बाई 7700 AD देयर वॉज मैनी किंगडम्स हैविंग डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डिमेंशन, देयर ओन लैंग्वेज, देयर ओन कल्चर कैरेक्टरिस्टिक. ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक चोलास, खलजीज, तुगलक एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वॉज नोन एज पैन रीजनल. पैन रीजनल, ये छोटे छोटे रीजन जो हरा कर अपने साथ लाया करते थे, मतलब पूरे पूरे रीजन पे उनका अपना एक एम्पायर देखने को मिलता था. द मीनिंग ऑफ पैन रीजनल इज इंक्लूडिंग डाइवर्स रीजन. इट्स मीन जो छोटे छोटे रीजन जिनमें वो कब्जा किया करते थे, वो धीरे धीरे क्या मिलकर बन गए? पैन रीजनल बन गए. बट विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, देयर वॉज री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स. दिस वॉज एपरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन. आफ्टर देन दे फील द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लॉजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस. नाउ कम द नेक्स्ट टॉपिक, ओल्ड एंड न्यू रिलीजेस. अब जो चेंजेस हमारे हर जगह हो रहे थे, हमारे सोशल ग्रुप में चेंजेस हो रहे थे, हमारे रीजन और एम्पायर में चेंजेस हो रहे थे, उस समय हमारे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स में भी चेंज हुए. जो हमारे ओल्ड रिलीजन थे, जो हमारे कुछ न्यू रिलीजन थे. बट इन दिस टॉप फॉर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट योर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.